और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हिंदी के क्रम में बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे बातचे को, छोटा मगर मोटा, यानी कि छोटा टॉपिक है और अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन यहाँ से भी गलत हो जाता है। तो बहुत आसान चैप्टर है, इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों समझते हैं बातचे कैसे कहते हैं, यानी कि बातचे इसका मतलब होता है वॉइस, ठीक है। तीन तरह का होता है ये, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों आपको स्पष्ट होंगे, ठीक है। अब ये किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं, पहले तो समझिए कि वाच्य होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ क्रिया का रूपांतरण होता है, क्रिया का रूपांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। नहीं समझ में आया, दूसरी तरह से समझिए। देखिए पहले तीनों को लिखिए, यह है कृतवाच्य, ठीक है। यानी कि जहाँ कर्ता किसी वाक्य में, कर्ता मुख्य रोल में हो, यानी कि मुख्य रूप से काम करता हो, तो वहाँ होगा कृतवाच्य। जहाँ कर्म मुख्य रूप से काम करता हो, किसी वाक्य में कर्म मुख्य रूप से काम करता हो, यानी कि प्रधान कर्म हो किसी वाक्य का, तो वहाँ होगा कर्मवाच्य। ठीक उसी तरह से अगर भाव प्रधान रूप से काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ होगा भाववाच्य। नहीं क्लियर हुआ, दूसरी तरह से समझते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जब आप कभी पढ़ते होंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस खूब पढ़ा है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है कृतवाच्य, हम इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। भाववाच्य इसको हम कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस, क्या कहते हैं, इम्पर्सनल वॉइस। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा, जैसे कि पैसिव बाई एक्टिव से पैसिव बनाते थे हम, तो काय का प्रयोग करते थे, वाय का प्रयोग करते थे, कब करते थे, आप समझिए। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसे आप या फिर कृतवाच्य सेंटेंस भी कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। तो किस तरह का सेंटेंस है ये, एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है, कर्ता राम, तो राम इसमें मुख्य रूप से किसी काम को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, समझिए यहाँ से, कृतवाच्य, यानी कि राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो कर्ता मुख्य रोल में हो गया। अब इसको हम बदलते हैं कर्मवाच्य में, राम के द्वारा, राम ऐसे समझते हैं, खाना खाया गया, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूप चेंज हो गया, अब जो कर्म था, जो खाना था वो कर्म था, अब कर्म क्या आ गया, कर्ता की जगह गया, कि मुख्य रोल में कौन आ गया, खाना आ गया, तो खाना खाया गया किसके द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। दूसरा समझिए, राधा गीत गाती है, गीत गाती है, ठीक है, ये हो गया एक एक्टिव वॉइस, यानी कि कृतवाच्य, गीता राधा इसमें मुख्य रोल में है। अब समझते हैं यहां से कर्मवाच्य से, गीत गाया गया, किसके द्वारा गीत गाया गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, तो ये आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। यानी कि जब कर्ता मुख्य रोल में काम करे, जैसे कि यहां पे काम कर रहा है, तब तो होगा वो वाक्य कृतवाच्य। यदि कर्म मुख्य रूप से काम करे, तब तो वो होगा कर्मवाच्य। जैसे कि यहाँ ये कोई कर्ता थोड़ा, ये कर्म था, ठीक है, खाना क्रिया थी यहाँ पे, तो कर्म क्या आ गया, मुख्य रोल में आ गया, तो जब मुख्य रोल में आ जाता है तो ये सेंटेंस हो जाता है कर्मवाच्य। एक तीसरा हमारा भाववाच्य, ठीक है, जहाँ भाव मुख्य रूप से आ जाए, जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता, ठीक है, तो हंसना क्या है, एक भाव है, ठीक है, तो मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, तो इस तरह की जो भावनात्मक चीज़ें जिसमें दर्शाई जाएंगी उसमें होगा भाववाच्य। इसमें ना तो कर्ता प्रधान रूप से काम करेगा, ना कर्म प्रधान रूप से काम करेगा, इसमें भाव प्रधान रूप से काम करेगा। जैसा कि अभी आपने देखा, मुझसे हंसा नहीं जाता, तो हंसना क्या एक भाव है, मुझसे रोया नहीं जाता, जैसे मुझसे रोया नहीं जाता। अब दोस्तों यहाँ जो रोया है वो क्या है, भाव है, एक है ना, तो
मेन काम जो फोकस है वो हमारा भाव पे है यहाँ पर, ठीक है। तो जिनमें भाव अपना मुख्य काम करता है वहाँ पे होता है भाववाच्य। ये आपको दोस्तों आसानी से क्लियर हो गया होगा, बस इतना सा ही था ये चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा तीन चार और पूछ लेगा कि निम्न वाक्य में से भाववाच्य सेंटेंस को छांटिए, या फिर कह देगा निम्न में से कृतवाच्य सेंटेंस को छांटिए, तीनों में से किसी तरह से भी दे सकता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, कभी मिस नहीं होता, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश वाले रूल, एक्टिव और पैसिव वाले फॉर्मूले से इसको थोड़ी सी और डिटेल की बात करें तो इसमें एक और होता है कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग, यानी कि क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का कर रही है, कर्म का कर रही है या फिर भाव का कर रही है, वो कोई नई बात नहीं, इस यही एक बात है, ठीक है। तो कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग और भावे प्रयोग कोई नई बात नहीं है, उसमें भी यही दिखाया जाता है कि क्रिया किसका अनुसरण करें। आप यहाँ खुद देखिए क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, ठीक है, तो कर्ता का अनुसरण कर रही है, यहाँ कर्म का अनुसरण कर रही है, वहाँ भाव का अनुसरण कर रही है, यही इसमें है। आशा करते हैं दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में रह गया तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।